देखो यार, अगर मुझसे कोई पूछे कि रिसोर्सेज को तुम सबसे आसान तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा जो भी मेरे आसपास है और वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, आई मीन उससे मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ। बात एक ही है, तू वो रिसोर्सेज है। मैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली बातें नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, एनिमल्स। ये नेचर के दिए हुए चीजें है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, एंड दैट्स कॉल्ड रिसोर्सेस। इतना काफी नहीं है यार तुम लोगों के लिए, 9th तक के लिए ठीक था, बट अब तुम समझदार हो चुके हो। मुझे पता है नहीं हुए हो, बट सीबीसी वाले चाचा को बताना पड़ता है कि ना हम समझदार हो चुके हैं। देख लो हमारा नकली चेहरा, हम समझदार है, तो समझदारी दिखाते हुए थोड़ा कुछ और ऐड कर देना। लाइक ठीक है, जो भी हमारे आसपास है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है वो रिसोर्सेस है, उसके साथ साथ वो रिसोर्सेस टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी हो कि उस रिसोर्स को हम अपने काम के लिए इस्तेमाल कर पाए। दूसरा, इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि वो रिसोर्सेस खरीदते खरीदते ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे बाप की जायदाद भी कम पड़ जाए। और तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल। देखो हमें तो सोसाइटी ने एक्सेप्ट करा नहीं, बट जो रिसोर्सेस हम इस्तेमाल करने वाले हैं ना, एटलीस्ट उन्हें तो एक्सेप्ट कर ले सोसाइटी, वो भी बहुत है। अब एक सवाल उठता है यार कि रिसोर्सेस ना नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है क्या? नहीं है यार, माना कि जो भी रिसोर्सेस हमें मिला हुआ है वो नेचर ने ही हमें दिया है, बट यहाँ पे हमारा भी योगदान है यार। हम डिसाइड करते हैं अपने जरूरतों के हिसाब से कि कोई चीज हमारा काम आने वाला है या नहीं आने वाला है। अगर कोई ऐसा चीज है जो हमारा काम नहीं आने वाला, तो चाहे वो नेचर ने दिया हो, फिर भी वो एक रिसोर्स नहीं है, बेकार वाला चीज हमारे लिए। तो यार सिंपल सा मेरा कहना ये है कि हम ह्यूमंस नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि हम जो भी रिसोर्सेस होगा उसका इस्तेमाल कर पाए, और साथ साथ सही तरीके से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो और हमारा कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम बनाते हैं इंस्टीट्यूशन। तो ये एक ट्रायंगल है जो कि बहुत अच्छी तरीके से समझाता है जो रिलेशनशिप है नेचर और ह्यूमंस के बीच का। ह्यूमन सेंटर पे है जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं नेचर से टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिलता है इस ट्रायंगल की मदद से। टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों ही इंटरडिपेंडेंट है। क्यों इंटरडिपेंडेंट है? क्योंकि हम है यार, हमारे वजह से है, हमने तीनों को जोड़ा हुआ है। अच्छा, और एक बात इंटरडिपेंडेंट से याद आया, अगर ये वीडियो हो सके तो मेरे भाई चंदू तक पहुंचा दो। 500 रुपए भाई तू कब देगा मेरे, ये बता। काम के नाम पे तूने मुझसे 500 रुपए लिए और तू बंदी घुमा रहा था उससे। नहीं, मैंने देखा तो अगर हो सके तो उसे टैग करो और मेरे 500 रुपए मुझे वापस करवाओ। जस्टिस फॉर बीबी, या टैग करो यार। अब तो विद्या तो समझ गया कि रिसोर्स क्या होता है, और रिसोर्सेस फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, हमारा भी योगदान होता है वहाँ। अब सवाल उठता है कि रिसोर्सेस कितने तरह के होते हैं? बहुत ज्यादा तरह के होते हैं, इतना कि तुम्हारा और मेरा उंगली कम पड़ जाए, गिनती भूल जाओगे तुम, बट रिसोर्सेस कितने नहीं पता कर पाओगे। तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं कुछ बुद्धिमान लोगों ने, रिसोर्सेस को क्लासिफाइड कर दिया। हमें कुछ 4 तरीकों के बारे में जानना है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप। और आखिरी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, बस हल्का हल्का जानना है कि क्या है ये। नहीं तो ओरिजिन के बेसिस पे ना बायोटिक और एबायोटिक होता है। बायोटिक लिविंग रिसोर्सेस, एबायोटिक नॉन लिविंग रिसोर्सेस। बायोटिक का एग्जांपल एनिमल्स है, प्लांट्स है, एंड ह्यूमंस हम भी है। एबायोटिक जैसे कि मैंने बताया नॉन लिविंग है, तो रॉक, सॉइल, वाटर, मिनरल्स। एंड देन सेकंड क्लासिफिकेशन एग्जॉस्टेबिलिटी के बेस पे दो होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो चीज है जो आसानी से रिप्रोड्यूस हो जाता है, नॉन रिन्यूएबल वो चीज है जो रिप्रोड्यूस होता नहीं और होने से बहुत समय लगता है। एग्जाम्पल रिन्यूएबल का है तुम्हारा सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर, आसानी से रिप्रोड्यूस हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल का कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, सदियों लग जाता है रिप्रोड्यूस होने में। बच्चा पैदा करने जैसा आसान नहीं है। उसके लिए तो 9 महीने लगते हैं, और मैं तो तैयार हूँ करने को, बट कोई मिली नहीं थी, क्या करूँ अब। खैर, टॉपिक। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन जो कि ओनरशिप के बेस पे है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, मेरे बाप के माल, कार। कम्युनिटी रिसोर्सेस, पब्लिक पार्क सबका है। नेशनल रिसोर्स जो हमारे कंट्री का है, लाइक फॉरेस्ट है जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, देश का है वो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम याद रख सकते हो यहाँ पे, जब भी बात आता है नेशनल रिसोर्सेज का ना, तो कंट्री के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो है ही है, इसके अलावा जो हमारा कंट्री का कोस्ट है ना, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक जो भी चीज़ें पाया जाता है वो हमारा ही प्रॉपर्टी है, माल है, जो भी कह लो। एंड इसके बाहर का जो भी चीजें होगा वो होगा इंटरनेशनल रिसोर्स। सिंपली मैं बताऊं, जो हमारा कंट्री का कोस्ट लाइन है उससे 200 नॉटिकल माइल के बाहर का जो भी एरिया होगा, जो भी चीजें मिलेगा हुआ, वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्स। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ओपन सी, वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, किसी कंट्री का नहीं है। एंड आखिरी क्लासिफिकेशन जो कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर है, पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब पोटेंशियल रिसोर्सेस को मैं क्या ही समझाऊं तुम्हें, सिंपली है, बंदे में बहुत पोटेंशियल था बट बंदीबाजी के चक्कर में यार ये काम का नहीं रहा कुछ। तो रिसोर्सेज के मामले में भी, मतलब इस्तेमाल कर सकते बट हमने करा नहीं इसे। लाइक रियल एग्जांपल का बात करूँ तो विंड एनर्जी, बहुत ही अच्छा चीज़ है, हमें पता है बट हमने अब तक इस्तेमाल लार्ज स्केल पे नहीं करा इसे।
सेकेंड है डेवलप्ड रिसोर्सेस, यानी कि जो रिसोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है इस्तेमाल होने को, हाँ, और हम कर भी रहे उसे, लाइक कोल। तीसरा है स्टॉक रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेज जो हमारे पास है बट हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, तो जमा हुआ है स्टॉक पे है, जब होगा तब कर लेंगे इस्तेमाल, बाप का तिजोरी में है, बस ऐसे समझ लो। और आखिरी है रिजर्व रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि हमने अपने परपोतों के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, वरना वो कैसे इस्तेमाल करेंगे यार हम अगर सब कर गए, सही है ना। तो यही पे खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का फंडा जो भी था। अभी देखो तुम ये बात तो समझ चुके हो कि रिसोर्सेस हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी है। हमने लंबे समय तक ये सोचा कि यार रिसोर्सेस तो अपने बाप के माल है, जितना इस्तेमाल करना है करो, और यही हमारा जो सोच है इसने इंसानों को दबा के भयानक तरीके से इंडिस्क्रिमिनेंटली रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट किया, और इसी गलत मोटिवेशन ने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ दिया। क्या क्या चीज़ें बिगाड़ा वो देखते हैं। टाइटल होगा कुछ इस तरीके से, मेजर प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन। पहला चीज देखो, ये जो लालची लोग हैं इनका जरूरतों को पूरा करते करते आज हमारा रिसोर्सेज खत्म होने के कागार पे है। ज्यादातर रिसोर्स जो आज है इस दुनिया में वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास है। सिंपल सा चीज है, जिसके पास है बहुत है, जिसके पास नहीं है वो का नंगा है भाई। अब इससे हो क्या रहा है, अब ऐसा इंडिस्क्रिमिनेट जो यूज है रिसोर्सेस का, इससे हो रहा है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि ऐसी चीजें जो दुनिया में सबको इम्पैक्ट डाल रहा है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, तुम्हें या मुझे सबको झेलना पड़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इसलिए यार मैं ना जब केरी भाई ये बात कहता है तो मैं उसे रिलेट कर पाता हूँ। दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। खैर यार इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब के सब यार चूती है, नहीं, कुछ अच्छे लोग हैं अभी भी दुनिया में। तो ऐसे कुछ अच्छे लोग इकट्ठा होते हैं और लड़ते हैं ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जो भी चल रहा है दुनिया में। पहली बार 1992 को रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट होता है, जो कि ऑर्गेनाइज करवाता है यूनाइटेड नेशन। उनका एक प्रोग्राम चल रहा होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट तुम कह सकते हो UNCED। तो बेसिकली ये क्या था, एक कॉन्फ्रेंस जहाँ पे पहली बार इंटरनेशनली एक अर्थ समिट होता है, कहा किया जाता है ब्राजील रियो डी जेनेरियो पे, जहाँ इस समिट को मोर देन 100 कंट्रीज ने अटेंड किया। अब इसका फायदा क्या होता है ये जानो, दो इम्पोर्टेंट चीजों को लेके ये 100 प्लस कंट्रीज ने सहमति जताया। पहला चीज, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर पे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अडॉप्ट किया गया एजेंडा 21। अब ये क्या है, तुमने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो इसका जो बेसिक आइडिया है ये इस एजेंडा 21 से आया है। तो बेसिकली देखो, जब भी बात आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यार ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो पीछा कभी नहीं छोड़ता यार, हर जगह घुस जाता है, मतलब तुम चाहे कितने भी क्लास में हो और आगे कहीं भी पहुंच जाओ, तुम्हारा पीछा वो कभी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कहीं मेरे गांड में ना घुस जाए, दिक्कत हो जाएगा। खैर तो ये है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से करो कि एनवायरनमेंट को तुम चोट ना पहुंचाओ, डैमेज ना करो। दूसरी बात, जब भी तुम प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो तुम एक चीज ध्यान रखना कि इससे फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स एंड वांट्स है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीजें करते हो, यानी कि तुम कर रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपना भी सोचो और फ्यूचर जनरेशन का भी सोचो, सिंपल सा बात है। अब इसी से एक नया आइडिया जन्म लेता है जिसे कहते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना है तो रिसोर्स जो भी है उसे हमें प्लानिंग करना पड़ेगा इस्तेमाल करने से पहले, कि कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। बट मुझे क्या यार, मैं तो रिसोर्स प्लानिंग नहीं, फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। बस वो एक बार समझ जाए कि मैं कितना सीरियस हूँ उसको लेके, उसका नहीं पता, बट तुम लोग रिसोर्स प्लानिंग को लेके सीरियस हो जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सवाल आता है कि व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो देखो, पहला चीज कि एक कंट्री के हर एक हिस्सों पे तुम्हें सारे के सारे रिसोर्सेस नहीं मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल तुम इंडिया से ले सकते हो। अब जैसे इंडिया के अंदर पे छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे तुम्हें कई सारे मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स मिलेगा, उसी तरीके से अरुणाचल के अंदर पे पानी बहुत ज्यादा है, बट पता है यहाँ दिक्कत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। एंड देन तुम राजस्थान को ले लो, सोलर एंड विंड एनर्जी के मामले पे भाई साहब सही है इनका सीन जो भी है, बट इनके पास पानी नहीं है यार, पानी का दिक्कत झेलना पड़ता है। फिर लद्दाख को ले लो, कल्चरली बहुत ही ज्यादा रिच जगह ये है, मतलब कभी दिन मैं जाऊंगा बाइक राइड पे लद्दाख, ड्रीम राइड, हाँ जरूर। बट देखो, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल की यहाँ पे कमी है। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह में हर एक चीज नहीं मिलता है। तो रिसोर्सेस को इस तरीके से प्लान करना है, बैलेंस करना है कि ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट हो, जहाँ जो चीज चाहिए उसे वो चीज पहुँचाया जाए, जहाँ बहुत ज्यादा है वो चीज, ठीक है। तो मैं कहा था कि मैंने बताया पहले कि हाँ
अवेलेबिलिटी जो है रिसोर्सेज का, वो हर जगह कंट्री का एक जैसा नहीं रहता। सेकंड चीज, जब तुम रिसोर्स प्लानिंग करते हो तो तुम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे भी तुम पूरा कर रहे हो। एंड थर्ड, जब तुम रिसोर्स प्लानिंग करते हो तो तुम रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो बिना कोई वेस्टेज करे। अभी यार मुझे नहीं पता कि इंडिया को फैमिली प्लानिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुम मुझे बताओ पॉपुलेशन को देखते हुए कि हमें फैमिली प्लानिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खैर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि हाँ, इंडिया को रिसोर्स प्लानिंग तो करना चाहिए। अब कैसे करते हैं? तीन स्टेप है। पहला स्टेप, जहाँ पे तुम आइडेंटिफाई करते हो एंड इन्वेंट्री यानी लिस्ट बनाते हो कि तुम्हारे कंट्री के अंदर पे जो अलग अलग रीजन है वहाँ पे कितने रिसोर्सेज है और कैसे कैसे रिसोर्सेज है, जिसके लिए तुम पहले सर्वे करते हो एंड देन मैपिंग करते हो और फिर तुम एस्टिमेट करते हो क्वालिटी और क्वांटिटी रिसोर्सेज का और आखिर में तुम मेजरमेंट करते हो। एंड देन आता है इसके बाद सेकंड स्टेप, जहाँ पे तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, तुमने इन्वेंट्री बना लिया, अब तुम्हें रिसोर्सेज को निकालना है यानी कि तुम्हें अब इवैल्यूएट करना है, जिसके लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर चाहिए। तुम कैसे निकालोगे? जिसके लिए तुम्हें पहले तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए कि कैसे निकालोगे रिसोर्सेज को, फिर प्रॉपर स्किल चाहिए कि क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है उस रिसोर्सेज को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, और आखिर में एक अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन जो कि ये इंश्योर करेगा कि जो तुमने प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया है ना, उस रिसोर्सेज को निकालने का नहीं निकालने का, वो सही तरीके से हो रहा है। और थर्ड स्टेप आता है इसके बाद, जहाँ पे तुमने जो भी रिसर्च डेवलपमेंट प्लान बनाया है अपना, उसे अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ कंपेयर करके देखोगे कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंट्री का रिक्वायरमेंट कुछ और है और मेरा रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो मिसमैच नहीं होना चाहिए। हमें वही रिसोर्सेज का जरूरत है जो कंट्री को जरूरत है, तो उन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो लाइक तुमने ये सारी चीज़ें पर एक चीज़ देखा, रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। बिना टेक्नोलॉजी की मदद से तुम रिसोर्सेज का इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, और तुम कैसे इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे वो तो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा, है ना। जिसका तुम बेस्ट एग्जांपल इंडिया के अंदर भी देख सकते हो। कई सारे जगह है इंडिया के अंदर पे स्टेट्स है जो कि रिसोर्सेज के मामले पे बहुत रिच है, बट फिर भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। क्यों है? क्योंकि या तो वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं चल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो रेगुलेट करे चीज़ों को। अगर तुम बात करो ना इंडिया का जो हिस्ट्री है, जहाँ पे अंग्रेजों ने इंडिया को गुलाम बनाया, आसानी से इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी था, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन था जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता था कि कैसे इंडिया को लूटे नहीं लूटे, क्योंकि हम तो पहले सोने की चिड़िया थे ना। बट अब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जिसके लिए हमें कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ये जब बात आता है कंजर्वेशन का, तो गांधी जी ने कुछ कहा है, सुन लेते हैं। ये बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट है गांधी जी का कि देखो यार, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, वो हमारे जरूरतों को तो पूरा कर सकता है, बट हमारे लालच ग्रीड को ना नहीं पूरा कर सकता। एंड सेकंड चीज, गांधी जी ना मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन यानी कि तो मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बहुत सारी चीजें बनाते हो, दैट्स कॉल्ड मास प्रोडक्शन। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। उल्टा गांधी जी चाहते थे कि मास प्रोडक्शन हट जाए और प्रोडक्शन बाय मास हो, यानी कि ज्यादा लोग मिलके कोई चीज बनाए जिससे कि रोजगार बनेगा। यार मशीन लगाओगे, दो तीन लोग काम करेंगे, रोजगार नहीं होगा, और वही पे तुम लोगों का इस्तेमाल करोगे काम करने पे, प्रोडक्शन बाय मास होगा तो रोजगार बढ़ेगा, लोग खुश रहेंगे, दैट्स इट। अब आते हैं अगला टॉपिक जो कि है लैंड रिसोर्स के ऊपर। हाँ, जमीन एक रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तुम्हें पता है, मुझे पता है। अगर जमीन नहीं होगा ना तो लाइक नेचुरल वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, या फिर हम ह्यूमंस हो, नहीं रह पाएंगे इसके बिना। मैं भी अपने क्रश के बिना नहीं रह पाता यार, कोई जाके यार उसे समझाओ यार, मुझे चाहिए वो। खैर टॉपिक पे आते हैं, तो देखो अगर मैं बात करूँ इंडिया में ना, तो लैंड कैसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 43% जो इंडिया का लैंड है ना, वो प्लेन एरिया है, एंड वहाँ पे मेनली होता है एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। फिर 30% है माउंटेन्स। अब यहाँ से क्या होता है, जो रिवर से इंपॉर्टेंट, वहाँ पे रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर आता है, क्योंकि पता है तो पानी का मेन सोर्स है माउंटेन्स, झरने भाई यहाँ से आते हैं माउंटेन्स से। फिर 27% है प्लेटू रीजन। अब तुम्हें पता है यहाँ क्या मिलेगा, बहुत सारे रिजर्व्स मिनरल के, फॉसिल फ्यूल के, और ढेर सारे फॉरेस्ट। अब बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, जमीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी जान लिया हमने, अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है। मेनली देखो फॉरेस्ट, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा जमीन जो कल्टीवेशन के लिए काम में नहीं आता है। फर्स्ट है बैरन एंड वेस्टलैंड, बंजर जमीन यार। दूसरा लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जहाँ खेती बाड़ी नहीं होता है, मेनली जो बिल्डिंग्स है, रोड्स है, फैक्ट्रीज है, ये तो हवा में नहीं बन रहे ना भाई, जमीन पे ही बन रहा है, तो इस कैटेगरी पे आ जाता है। एंड थर्ड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इन दोनों के अलावा और कौन सा अनकल्टिवेटेड लैंड जहाँ हम खेती नहीं कर सकते वो जमीन। पहला है ग्रेजिंग लैंड, हाँ घास चराते हैं हम जानवरों को वो जगह। फिर लैंड फॉर मिसलिनियस ट्रीज, और आखिरी है कल्टिवेटेड वेस्टलैंड, ऐसा जमीन जहाँ हमें कल्टिवेशन नहीं करा गया, लगभग 5 सालों से भी ज्यादा हो गया, फेंका हुआ है भाई, कर सकते हैं पर नहीं कर रहे। फिर है फैलो लैंड,
जिसके अंदर पे पहले है करेंट फेलोलेन, फेंका हुआ ऐसे अनकल्टिवेटेड है, लगभग एक साल हो चुका है। हाँ, दूसरा है अदर देन करेंट फेलोलेन, ऐसा जमीन जो कि अनकल्टिवेटेड है, फेंका हुआ ऐसे, लगभग एक साल से लेकर पांच साल हो चुके हैं। अब फिर आता है नेट सोन एरिया, यानी कि ऐसा जमीन जहाँ में कल्टिवेशन करा जाता है साल में एक बार। या फिर आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इसके अंदर में देखो दो चीजों को एक साथ मिलाया जाता है। पहला ऐसे जमीन जहाँ पे खेती करा जाता है साल में एक बार, इसके साथ साथ एक ऐसा जमीन जहाँ में खेती करा जाता है साल में एक बार से ज्यादा, दो चीजें एटलीस्ट एक बार या एक बार से ज्यादा, ये दोनों को मिला के होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ये तो मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके से जमीन को हम इंडियंस इंडिया के अंदर पे यूटिलाइज करते नहीं करते। अब देखते हैं कि लैंड का यूज पैटर्न कैसा है इंडिया के अंदर पे, जिसके लिए तुम पहले जानो कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, काफी बड़ा है। इतना बड़ा एरिया में से 93% जो एरिया है इंडिया का, इसका हमारे पास प्रॉपर डेटा है, जबकि जो ये 7% एरिया है इसका हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। और इसका एक रीजन भी है, ये 7% एरिया आता है मोस्टली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट असम, असम का प्रॉपर डेटा है हमारे पास। इसके अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया जो चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, उन एरिया का हमारे पास कोई डेटा है नहीं। खैर, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें। तो पैटर्न देखते लैंड को किस तरीके से इंडिया में इस्तेमाल करा जाता है। पहले नेट सोन एरिया, वो जमीन जहाँ पे खेती बाड़ी करा जाता है। अब ये चीज ना इंडिया में अलग अलग स्टेट पे बिल्कुल ही अलग अलग है। कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पे जो ये खेती बाड़ी करने वाला जो क्राइटेरिया है बहुत ज्यादा है, लाइक अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा का, जहाँ पे जो ये नेट सोन एरिया है वो 80% से भी ज्यादा है। यानी कि मैं सिंपली बताऊँ तो पंजाब और हरियाणा पे मोर देन 80% एरिया है, ऐसा है जमीन ऐसा है जहाँ पे खेती बाड़ी करा जाता है भाई। और यही चीज एकदम ही उल्टा है अरुणाचल प्रदेश का बात कर लो, मिजोरम का बात कर लो, मणिपुर का बात कर लो, या फिर बात कर लो तुम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, जहाँ पे 10% से भी कम ऐसे जगह है जहाँ में कल्टिवेशन करा जाता है, यानी कि नेट सोन एरिया जो है 10% से भी कम है यहाँ पे। तो दैट्स इंडिया यार, वी आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी ऑल आर इंडियन। खैर, ये तो मैंने बात किया कि खेती बाड़ी करने वाला इलाका जो है नेट सोन एरिया। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया इंडिया में कितना है। तो एक डेटा है जो कि चार्ट पे दिया हुआ है, इतना जाने की जरूरत नहीं है डिटेल पे, सिंपल मैं बता रहा हूँ। 1960 से लेके 61 का जो डेटा है वहाँ देखने मिलता है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो 18.11% था, जो कि बढ़ के 2014-15 में 23.3% हो गया है। अब तुम्हें लग रहा हो कि बहुत अच्छा बड़ा है हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया, जिसके लिए तो एटलीस्ट हमें मिठाई तो बांटना ही चाहिए आपस में। नहीं, क्योंकि जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, वो कहता है कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर एरिया है ना वो एटलीस्ट 33% तो होना ही चाहिए। अब अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है, जो कि ऑब्वियस सवाल है, सीबीएसई भी पूछेगा कि 33% ठीक क्यों, क्योंकि जवाब तो गांधी जी भी नहीं दे पाए, बट हम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देना पड़ता है, क्योंकि सीबीएसई वाले हमें नहीं छोड़ेंगे अगर हम नहीं दिए तो। पहला पॉइंट तो ये है कि देखो, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, उसे बनाए रखने के लिए ये 33% फॉरेस्ट कवर एरिया होना जरूरी है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई दमादम, और हम अगर पेड़ को काटते जाएंगे तो हमारे अलावा जानवर होगा क्या होगा, सोचा है कभी तुमने? ऑफ कोर्स नहीं सोचा होगा यार, मैं भी नहीं सोचता, बट अब सोचना पड़ेगा आई गेस। फिर इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर ही अपना लाइवलीहुड यानी कि अपना जिंदगी डिपेंड करके बैठे हुए हैं। उनका खाना फॉरेस्ट से आता है, उनका जिंदगी फॉरेस्ट से चलता है, एंड इस वजह से हमें फॉरेस्ट कवर एरिया जो बनाए रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये रोजगार दे रहा है उन्हें। तो पॉपुलेशन बढ़ा है हमारा, फॉरेस्ट कवर एरिया अगर बड़ा होगा तो इससे उन लोगों का जिंदगी सही चलेगा, अगर काटते जाएंगे तो वो बेघर हो जाएंगे। स्पेशल मैं बात करूँ जो ट्राइबल एरिया से, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, राइट। अब इसके बाद टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जमीन की बर्बादी कैसे होता है, हम इंसान करते हैं और कौन करेगा, और कभी कभी नेचर का भी योगदान होता है इसमें। क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ लैंड है ना, कि तुम्हें पता है लैंड बहुत ही फर्टाइल होता है, हमारे कुछ गलतियों की वजह से ये जो फर्टिलिटी है जमीन का, ये जो क्वालिटी है, ये बर्बाद हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब इसके कई सारे कारण हो सकता है, कुछ इंसानी कारण, कुछ नेचुरल कारण, देखते हैं क्या क्या कॉज होता है। पहला, जब हम करते हैं डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटते हैं तो उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। दूसरा, जब होता है ओवरग्रेजिंग। अब अगर तुम्हें नहीं पता ओवरग्रेजिंग का मतलब, तो यार देखो, तुम जानवर को घास खिलाते हो, तो अगर ज़्यादा खिला दोगे तो ग्रेजिंग लैंड बर्बाद हो जाएगा, तो उससे बंजर जमीन हो जाएगा, फिर तो मतलब वो लैंड डिग्रेडेशन को सपोर्ट कर रहा होगा। इसी तरीके से एक चीज़ है डेजर्टिफिकेशन, जहाँ पे क्या होता है, रेगिस्तान जो है वो फैलने लगता है, इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। एंड देन जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, ये भी मतलब एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है लैंड डिग्रेडेशन का।
इंडस्ट्रीज रिलीज करता है टॉक्सिक केमिकल्स, जो कि अगर जमीन पे आके इंटैक्ट हो जाता है तो वो फिर उस जमीन को दूषित कर देता है भाई। तो इसे भी हमें जरूरत है कि प्रॉपरली हम मैनेज करें इंडस्ट्रियल वेस्टेज को। एंड आखिरी है माइनिंग एक्टिविटीज। भाई माइनिंग की वजह से भी जमीन जो है लैंड डिग्रेडेशन जो है वो होता है। अब कैसे रोकना है, जो चीजें हो रहा है उसका अपोजिट करो। तुम्हें पता है कि डिफॉरेस्टेशन से हमें क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ता है, तो तुम करो एफॉरेस्टेशन। तुम्हें पता है ओवरग्रेजिंग से लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो तुम करो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। फिर तुम्हें पता है कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है इसे अगर तुम प्रॉपरली मैनेज करो तो तुम जो है लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हो। और आखिरी माइनिंग एक्टिविटी जो जहाँ भी हो जाता है बाप के नाम पे, काला धंधा जो भी कह लो तुम, इसे भी रोकना चाहिए यार। माइनिंग एक्टिविटीज के नाम पे हम पहाड़ों को काटते हैं, हम जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक है सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल यानी मिट्टी, इसके बारे में क्या कहूँ यार। सॉइल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल यानी कि आसानी से खत्म नहीं हो सकता यार। अगर सॉइल खत्म हो गया फिर तो हम खत्म, और अगर हम खत्म तो यार सब खत्म। फिर इसके अंदर होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिस वजह से ये सपोर्ट कर पाता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और साथ ही साथ ग्रो करने में मदद करता है प्लांट्स को। सही बताओ तो मैं बस ये सोचते रहता हूँ यार, सॉइल कितना सपोर्ट करता है हमको। खास ऐसा ही सपोर्ट मेरा फैमिली मुझे करता। खैर इसके बारे में बात नहीं करते है। अगला टॉपिक टाइप ऑफ सॉइल, कितने तरीके का होता है। लगभग 6 तरीके के सॉइल के बारे में आज हमें पढ़ना है। पहला है एल्यूवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ है लैटराइट सॉइल, फिफ्थ है एरिड सॉइल, और आखिरी है फॉरेस्ट सॉइल। नंबर वन का बात करते हैं जो कि है एल्यूवियल सॉइल। दुनिया में सबसे अगर फर्टाइल सॉइल कोई है तो यही है, जिस वजह से एग्रीकल्चर यार परफेक्ट होता है। यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए एकदम परफेक्ट है एल्यूवियल सॉइल। अब लॉजिक लगाओ, जब ये परफेक्ट है एग्रीकल्चर के लिए तो ये कहाँ पाया जाता होगा। दुनिया का सबसे फर्टाइल जगह पे हमारा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन, जहाँ गंगा बहता है भाई, और इसके साथ साथ ही जो कोस्टल प्लेन इंडिया का वहाँ भी पाया जाता है एल्यूवियल सॉइल। ये सॉइल बहुत ही अच्छा रहता है अगर तुम उगाते हो वहाँ पे सुगर कैन, पैडी, व्हीट, पल्स, ऐसे जो क्रॉप्स है। अब तुम एज के हिसाब से ना एल्यूवियल सॉइल को डिवाइड कर सकते हो, दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो मैं सिंपली कहूँ तो। एक होता है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, दूसरा है न्यू एल्यूवियल सॉइल। अब जो ओल्ड है ना उसे कहते हैं भांगर, और जो नया वाला है उसे कहते हैं खादर। ये तो था एल्यूवियल सॉइल के बारे में। एंड देन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को कहते हैं रिगुर सॉइल। इसके साथ साथ इसका एक दूसरा नाम भी है ब्लैक कॉटन सॉइल। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल पे एक ही चीज सबसे ज्यादा उगता है, वो है कॉटन। बहुत फेमस है कॉटन ब्लैक सॉइल के नाम से। तो ये कहाँ पाया जाता है, मेनली जो डेक्कन प्लेटू है महाराष्ट्र का, इसके साथ साथ जो मालवा प्लेटू है यहाँ भी पाया जाता है ब्लैक सॉइल। एंड थर्ड सॉइल रेड एंड येलो सॉइल। अब देखने में तो ये रेडिश कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर में ढेर सारा पाया जाता है आयरन, बट जब ये गीला होता है ना तब ये येलोइश कलर का दिख रहा होता है। अब ये सॉइल बनता है क्रिस्टलाइज इग्निशियस रॉक से, ऐसे एरियाज पे जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है वहाँ पे ही सॉइल तुम्हें दिखता है। ये सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है इसका बात करूँ तो सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। फिर इसके बाद आता है लैटराइट सॉइल, ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ बारिश और टेम्परेचर दोनों ही बहुत ज्यादा होता है, लाइक कहाँ का, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और जो भी हिली एरिया से असम और ओडिशा का। अब मैंने थोड़े पहले बताया था एल्यूवियल सॉइल के बारे में जो कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, इसके एकदम ऑपोजिट है लैटराइट सॉइल, बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं है ये, तो एग्रीकल्चर के लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है ये। अब इस वजह से यहाँ पे जो भी सॉइल होता है उसका काम क्या पे करा जाता है, ईंटें बनाने पे करा जाता है भाई। अब अगला है एरिड सॉइल, ये दिखने में रेड या ब्राउनिश कलर का होता है, मोस्टली ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तुम गैस करो कौन सा इलाका हो सकता है ऐसा, राजस्थान, राइट। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट और टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से ये जो सॉइल है यहाँ पे ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों ही ना के बराबर होता है। अब एरिड सॉइल के अंदर पे एक चीज है, जो बॉटम एरिया होता है ना सबसे नीचे वाला जगह है वहाँ पे एक कंकर का लेयर फॉर्म होता है। अब आखिरी है फॉरेस्ट सॉइल, जो तुम माउंटेन सॉइल भी कह सकते हो क्योंकि ये आखिर माउंटेन्स पे ही तो मिलता है। हाँ, मोस्टली फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, ऐसे जगह पे पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। ऐसा कौन सा एरियाज है, हिमालयन रीजन जो है इंडिया का, जहाँ बारिश भी मस्त है, पहाड़ भी मस्त है यार, सब चीज मस्त है। अब जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है पहाड़ी इलाकों में माउंटेनियस एरियाज, तो देखो यहाँ पे सीन कैसा रहता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है माउंटेन का जहाँ ये सॉइल पाया जाता है वो बहुत ही कम फर्टाइल होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। अब ऐसा किस लिए होता है, वेदरिंग की वजह से होता है। अब देखो हवा, पानी, बारिश, ये सब चीजों की वजह से जो सॉइल ऊपर में है वो धूल के नीचे आ जाता है, जब आता है तो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ऊपर पे इसलिए कम रहता है फर्टिलिटी और नीचे ज्यादा रहता है। तो इसी चीज को कहते हैं सॉइल इरोजन, जहाँ सॉइल इरोड हो गया। तो लाइक सॉइल इरोजन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, अगर मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना तो यार जैसे मेरा दिल टूटने के बाद अब यार हर किसी के ऊपर अब ट्रस्ट लूज हो गया मेरा यार, नहीं होता अब ट्रस्ट किसी पे, उसी तरीके से
सॉइल इरोजन होने के बाद सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो लूज हो जाता है। मैं ये कुछ और एग्जांपल से बता सकता था कि क्या होने के बाद क्या लूज हो जाता है, बट उतना डार्क नहीं जाता है। तुम अगर इशारों से समझ गए तो ठीक है, बट या अभी के लिए इतना काफ़ी है कि सॉइल इरोजन में क्या होता है, फर्टिलिटी लूज हो जाता है। हाँ, बस फर्टिलिटी लूज होता है और कुछ नहीं होता। अब सवाल उठता है कि सॉइल इरोजन कितने तरीके का होता है। तीन तरीका तुम जान लो। पहला है गली इरोजन, जहाँ क्या होता है यार, मतलब गलियाँ बन जाता है, शहर बन जाता है, मतलब पानी को जाने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, और जब वो रास्ता मिलता है वो पानी के साथ साथ सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसे भी लूज कर देता है, और जिससे होता है सॉइल इरोजन। दूसरा है शीट इरोजन। अब यहाँ क्या होता है, सॉइल का जो ऊपर का लेयर है ना वो धुल के चला जाता है बारिश के वजह से मोस्टली। आखिरी है विंड इरोजन। यहाँ क्या होता है, बहुत जोर का हवा आता है और इस हवा के वजह से सॉइल अपना फर्टिलिटी लूज कर देता है। सॉइल है कि क्या है, इतना जल्दी अपना फर्टिलिटी, हाँ फर्टिलिटी लूज करता है। मैं बार बार कुछ और कहने वाला होता हूँ बट अपने दिमाग को समझाता हूँ कि नहीं यार, फर्टिलिटी लूज का ही बात कर रहे हैं हम। आखिरी टॉपिक, उल्टा पुल्टा नहीं, सॉइल कंजर्वेशन। अब हमने पढ़ा कि सॉइल इरोजन होता है जिससे सॉइल अपना फर्टिलिटी को लूज़ कर देता है। अब ये होना नहीं चाहिए क्योंकि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पेट चलता है, खाना पीना जो भी आता है सॉइल से ही आता है। अगर सॉइल इसी तरीके से इरोड होता रहा तो फिर खत्म है यार दुनिया। इसे रोकने के लिए कुछ टेक्निक है हमारे पास जो कि हम फार्मिंग में स्पेशली इस्तेमाल करते हैं ताकि सॉइल इरोजन को हम रोक पाए। उसमें से पहला है कॉन्टूर प्लगिंग। अब यहाँ क्या होता है, देखो तुम्हें पता है माउंटेनियस एरिया हो या कोई भी एरिया हो, पानी क्या होता है ऊपर से नीचे तक आता है। अब ये ऊपर से जब नीचे आता है तभी ये सॉइल को इरोड करता है और उसका फर्टिलिटी को लूज करता है। अब यही चीज़ हमें रोकना है। कॉन्टूर प्लगिंग में क्या होता है, एक तरह का लाइन बना दिया जाता है पूरे खेत के अंदर पे। अब ये लाइन क्या करता है, सॉइल को इरोड होने से रोकता है, उसका फर्टिलिटी को लूज करने से रोकता है। और एग्जैक्टली इसी तरीके का कुछ करा जाता है टेरिस फार्मिंग के अंदर, जहाँ माउंटेन जो होता है वहाँ पे खेती करा जाता है। अब माउंटेन पे तो ऑप्शन है नहीं कि तुम मतलब कुछ और चीज़ कर सकते हो। बारिश आएगा तो माउंटेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका फर्टिलिटी लूज हो जाएगा। अब ऐसा ना हो इसलिए पहाड़ों को काट काट के, उसका जो स्लोप है उसे काट काट के कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि पानी बारिश जब भी आए तो वो जमीन का जो फर्टिलिटी है उसे लूज ना करे। तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब ये मोस्टली करा जाता है प्लेन एरियाज पे। तुम यार अपना जो भी खेत है उसके अंदर पे कुछ गैप क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें उगा दे रहे हो जो कि एक तरीके से बैरियर का काम करता है, पानी बारिश हवा ये सब चीज़ों को तुम्हारे फसलों को बर्बाद होने से रोकता है। और इसी तरीके से एक सिमिलर चीज़ करा जाता है सेल्टर बेल्ट्स के अंदर पे, जहाँ पे क्या होता है ये भी प्लेन एरियाज पे करा जाता है। जो तुम्हारा खेत है उसके आसपास में तुम बड़े बड़े गच्छियों को उगा देते हो। सेल्टर बेल्ट में सिंपली बड़ा बड़ा गच्छी होता है और जो स्ट्रिप क्रॉपिंग में तुम कोई छोटे मोटे गच्छियाँ उगाते हो खेत के अंदर ही, बट ये जो सेल्टर बेल्ट है वो तुम खेत के बाहर तुम गच्छियाँ उगाते हो जिससे कि तुम्हारा खेत प्रोटेक्टेड रहे चाहे बारिश हो तूफान हो आंधी हो कुछ भी हो भाई, सॉइल इरोजन बस ना हो। तो भाई इतना ही था इस चैप्टर के अंदर पे, काफ़ी लंबा आई नो, होप मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से बताया सिखाया समझाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो बिना लाइक कमेंट करे भागना मत यार, बुरा लग जाएगा मुझे। और आखिरी एक चीज़ जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे ना तुम लोगों का एक मदद चाहिए। मैं यार अपने मम्मी से लड़के बैठा हुआ हूँ, उन्हें यार मेरा स्ट्रगल समझ ही नहीं आता। वो तो अपने जिद पे लगे हुए हैं कि भाई साहब पीएचडी करो और ब्ला ब्ला करो, उन्हें मेरे सपने का कोई परवाह ही नहीं है बस। तो मैंने क्या लड़के कहा, बस मुझे एक साल दे दो मैं साबित कर दूंगा कि आई एम द बेस्ट। तो यार ये एक साल मैं जम के वीडियोस डालूंगा और ट्राई करूंगा 1 मिलियन रीच करने का। सो यार हो सके तो यार मतलब क्या कहूँ, शेयर करो सपोर्ट करो, ज्यादा नहीं कहूंगा। हाँ सही में मैं अभी बहुत हल्के में कह रहा हूँ ये बात, बट या मुझे जरूरत है तुम लोगों का।